आइए अंडरस्टैंड करते हैं एक और टाइप एरर। और ये एरर क्या है? ये एरर है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। इसी तरीके से कभी कभी आपको आ सकता है टाइप एरर टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। इन दोनों एरर का मतलब क्या है और कब ये आपके सामने अपीयर हो सकती है और इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, आइए इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि पाइथन के अंदर सम ऑब्जेक्ट्स आर इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मतलब उनके अंदर मॉडिफिकेशन नहीं किया जा सकता। जैसे नंबर, कोई भी नंबर अगर आप लेते हैं और आपने एक बार वैल्यू असाइन कर दी तो इसका मतलब आप इस नंबर में मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, हालांकि नंबर को नई वैल्यू जरूर असाइन की जा सकती है। यानी अगर मैं मेमोरी पर्सपेक्टिव से बात करूं तो मान लीजिए मैंने ये दो पार्ट में मेमोरी बना दी, एक आपकी स्टैक मेमोरी या फिर हम कहेंगे कॉमन मेमोरी, कुछ कोई भी मेमोरी हो सकती है ये, और दूसरी हमने ली हीप मेमोरी। अगर मेमोरी के बारे में और डिटेल आप लेना चाहते हैं कि किस तरीके से ये वर्क करता है तो मैंने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाकर के इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे ही आपने ये स्टेटमेंट लिखी, इसका मतलब क्या होगा? ये जो 95 है, क्योंकि पाइथन प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है तो इसमें सब कुछ ऑब्जेक्ट है, यानी ये जो 95 है तो ये भी हीप मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और इसका क्या होगा? कुछ एक आईडी होगा, मान लीजिए आईडी हुआ A01, जिससे हम इसे रेफर करेंगे। किसमें स्टोर होगा? क्योंकि राइट हैंड की वैल्यू लेफ्ट हैंड को असाइन होती है तो ये नंबर नाम का एक वेरिएबल बनेगा और इसमें जाके क्या स्टोर हो जाएगा? A01। अब A01 से आप इसे रेफर कर सकते हैं, लेकिन नंबर ऑब्जेक्ट्स, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स या फिर टपल ऑब्जेक्ट्स आर इम्यूटेबल, यानी इस ऑब्जेक्ट के अंदर आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? एक नई वैल्यू के लिए एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा, इसके अंदर होगा 50 और इसका कुछ और आईडी होगा, मान लीजिए A02। ये किसे असाइन हो गया? क्योंकि राइट हैंड की वैल्यू लेफ्ट हैंड को असाइन होती है तो इसका मतलब अब ये वाला आईडी किसे असाइन हो गया? इस नंबर को असाइन हो गया। और यहाँ पर A01 हट जाएगा, अब क्या आ गया यहाँ पर? A02। अब क्योंकि A01 हट चुका है तो इससे कनेक्शन खत्म। अब अगर आप नंबर को प्रिंट करेंगे तो वो 50 देगा। यानी आप नया ऑब्जेक्ट तो असाइन कर सकते हैं बट एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट में कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, राइट? एक और एग्जाम्पल लेता हूं मैं। मान लीजिए आपने एक वेरिएबल लिया नेम, जिसके अंदर आपने स्टोर किया एन के। एक और वेरिएबल लिया आपने टप, इसके अंदर आपने टपल स्टोर किया 5 6। हमें पता है ये जो स्ट्रिंग है जब ये मेमोरी में स्टोर होगा तो किस तरीके से होगा। अब मान लीजिए मुझे यहाँ से के प्रिंट कराना है तो देखिए एम और के की एक इंडेक्स पोजिशन होगी, 0 से स्टार्ट होती है, यानी ये हुई 0, ये हुई 1। अगर मुझे के प्रिंट कराना है तो मैं क्या लिखूंगा? मैंने लिख दिया यहाँ पर प्रिंट नेम, जिस आईडी को रेफर कर रहा है उसकी कौन सी पोजीशन? 1 पोजीशन। अब अगर आप प्रिंट कराएंगे, स्टेटमेंट को चलाएंगे तो क्या प्रिंट करेगा? ये प्रिंट करेगा के। इसी तरीके से जो टपल स्टोर होगा उसकी भी 0 पोजीशन मेमोरी में इस तरीके से मान लीजिए स्टोर हो गया ये, तो इसकी भी ये 0 पोजीशन, 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, इसका भी एक आईडी होगा और किसे असाइन हो जाएगा? टप को असाइन हो जाएगा। अब मान लीजिए मुझे ये 6 प्रिंट कराना है तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे? मैं यहाँ पर भी लिख दूंगा टप, तो क्या प्रिंट कर देगा? ये 6 प्रिंट कर देगा। अब यहाँ तक सब कुछ परफेक्ट है। अब क्योंकि मैंने बताया था कि ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, नंबर है, स्ट्रिंग है, टपल है, ये सारे क्या है? इम्यूटेबल है, यानी इसके अंदर मॉडिफाई नहीं कर सकते। इसमें से वैल्यू तो एक्सेस कर सकते हो बट मॉडिफिकेशन इज नॉट अलाउड। क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर मैं चाहता हूँ कि एम की जगह के आ जाए, यानी मैं नाम बनाना चाहता हूँ के और मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ एम की जगह के, तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा नेम की 0 पोजिशन पे क्या चला जाए? मैंने कहा यहाँ पे चला जाए के। इज इट पॉसिबल? क्योंकि आप देखिए इस स्टेटमेंट से आप क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के अंदर
जीरो पोजीशन पे के असाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी उसे मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं इस ऑब्जेक्ट को। तो इसका मतलब यहाँ पर ये एरर दे देगा, क्या एरर दे देगा, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। इसी तरीके से टपल में भी मान लीजिए मैं 6 की जगह 66 असाइन करना चाहता हूँ, तो अगर मैंने इस तरीके से लिखा और इसे रन किया तो ये एरर देगा, क्या देगा, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। तो क्योंकि ये ऑब्जेक्ट इम्यूटेबल है तो मॉडिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी फंक्शन इसमें वर्क नहीं करेगा। अब मॉडिफिकेशन से रिलेटेड कौन से फंक्शन होते हैं, जैसे कि अपेंड, जैसे कि डिलीट, जैसे कि पॉप। तो इस तरीके के फंक्शन जो कि किसी ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं, उनमें से कोई भी फंक्शन इन इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर वर्क नहीं करेगा। तो आई होप str ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट और tup ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट कब आती हैं ये आपको क्लियर हुआ होगा। इनका सॉल्यूशन क्या है, इनका सॉल्यूशन सिर्फ यही है कि मॉडिफिकेशन से रिलेटेड अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उस स्टेटमेंट को आपको रिमूव करना। तो जब भी आपको ये एरर आए, अपने कोड को आपने ध्यान से एनालाइज करना है, उस लाइन को एनालाइज करना है जिस लाइन पे आपको ये एरर दे रहा है, और वहां पे उसे करेक्ट करना है।